अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि फ्रीज़ करने के लिए चीज़ें दिखाएं, तो वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने लिया है 3 kg कीमा लिया, 1 kg इसमें प्याज डलेगा, छील के साफ़ करके मैंने ये छोटे रफली चॉप कर लिया, और ये मैं इसमें मिर्चें डालूंगी। ये मैंने तकरीबन लिए 200 ग्राम। ये मिर्चें तो हैं लेकिन इनका नाम ही है, बस ये ना होने के बराबर है, बिल्कुल फीकी हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी दूसरी भी डालूंगी ताकि थोड़ा उसका स्पाइस अच्छा सा हो जाए। तो अब मैं इनको ग्राइंड करने लगी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से मसाले डालूंगी। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने इसमें प्याज और सब्ज़ मिर्चें वो चॉप करके डाल दी हैं बारीक, और कीमे को भी थोड़ा 2-3 दफ़ा किया। तो इसमें अब मैं डालूंगी मसाले। ये मसाला जो है ना, ये मैंने घर में बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगी। तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, बिस्मिल्लाह। ये जाएगा इसमें तो व्यूअर्स ये देखें, मैं हमारा कीमा रेडी हो गया था। मैंने कुछ कोफ्ते बना लिए हैं आपको दिखाने के लिए, और ये कुछ मैंने कबाब बनाए हैं। तो ये मैं फ्रीज़ कैसे करूँगी, नीचे मैंने एक प्लास्टिक की लेयर लगाई है, कोई भी आप चीनी के बैग का कवर निकाल लें, उसको चौड़ा सा होता है, तो क्योंकि हमें इसके लिए थोड़ा मोटा चाहिए, मैंने उसको उस लगा लिया। नीचे कबाब सेट कर लिए, अब मैं ऊपर दूसरी लेयर लगा रही हूँ, आपको दिखाऊँगी। तो ये फिर मैं इनको उधर भी सारा रख के जितनी लेयर्स बनेंगी कीमे को मैंने आधा आधा करना है, आधे कोफ्ते बनाऊंगी और आधे मैं कबाब बनाऊंगी। एयर टाइट करके बैग को, तो उसको मैं रख दूंगी, फिर जब कोई फ़ौरन के फ़ौरन मेहमान आ जाता है या आपने कोई आइडिया बन जाता है कि कबाब बना लें, बंद बना लें कबाबों वाले, तो फ़ौरन के फ़ौरन जितने पीस आपको चाहिए वो निकालें और यूज़ करें, और ये बहुत अच्छा रहता है, आराम रहता है इससे बहुत। और ये एक ट्राई करिए, देखें आपको अच्छा लगेगा। तो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। करूँगी अल्लाह मियाँ सबको किसी भी चीज़ के लिए मसला ना करे। तो चलें ठीक है, आप भी इसको बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।